झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। सरकारी स्कूलों में पहले ही दिन आधे से भी कम उपस्थित 30% छात्र पहुंचे स्कूल। 9 माह बाद 50% महज 30% ही रह गई। इस दौरान कोरोना के सभी निर्देशों का पालन किया गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से बंद हुई सरकारी स्कूलों में लगभग 9 माह के पश्चात सरकार के निर्देश के आलोक में स्कूलों में पढ़ाई शुरू हुई। कोविड निर्देशों का पालन करते हुए राज्य में कल से ही 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुल चुके हैं। रांची के एक स्कूल के छात्रा ने बताया, हम लोग यहां सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं। हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि स्कूल खुले, क्योंकि घर में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। खबर है जमशेदपुर से। भाजमो ने नगर निगम को दी चेतावनी, 15 दिन में सभी समस्याएं हल नहीं हुई तो करेंगे घेराव। भारतीय जनता मोर्चा के मानगो स्थित आजाद नगर मंडल के कार्यकर्ताओं सोमवार को मानगो नगर निगम कार्यालय पहुंचे। वहां इन्होंने नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय को समस्याओं का पुलिंदा सौंपा। जाते जाते मंडल के संयोजक मुश्ताक अहमद ने कार्यपालक पदाधिकारियों को चेतावनी दी कि 15 दिन के अंदर इन सभी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो निगम कार्यालय का घेराव करेंगे। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा, किसानों का रिश्वत खो चुकी है राज्य सरकार। रांची के सांसद संजय सेठ ने किसानों से धान खरीद के मामले में राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। इन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य सरकार किसानों के साथ धोखा और बिचौलियागिरी को बढ़ावा व संरक्षण दे रही है। राज्य सरकार की व्यवस्था से किसानों का विश्वास टूट चुका है, इसलिए किसान औने पौने दाम पर धान बेचने को मजबूर है। खबर है धनबाद से। बिरसा मुंडा पार्क में हो रहा है घाटे का पर्यटन, कोरोना के कारण 50 लाख की चपत। कोविड-19 के मार बिरसा मुंडा पार्क की आमदनी पर भी पड़ रही है। मार्च से बंद पार्क की हालात खस्ता हो चुकी है। हर माह 50 से 60 लाख की आमदनी से पार्क को वंचित होना पड़ा। यही नहीं, दिसंबर और जनवरी का माह पार्क की आमदनी के लिहाजे से बेहतर मुफीद होता है। अकेले दिसंबर में ही हर दिन 80,000 से 1 लाख रुपए की आमदनी होती रहती है। ऐसी स्थिति अगले वर्ष 15 जनवरी के बाद तक बनी रही तो चपत लगनी तय है। यह खबर है धनबाद से। नए साल में झारखंड में 15,000 नियुक्तियां होगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया अपना प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नए साल में युवाओं को नौकरियां की सौगात देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि फरवरी 2020 तक 15,000 नियुक्तियां होंगी। इसका लाभ झारखंड के युवाओं बेरोजगारों को मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नए साल में मनरेगा मजदूरों को मजदूरी बढ़ाने की भी बात कही। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। अब घोषणाओं पर प्रकाश डाला जा रहा है। इसी के तहत नए साल में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां का ऐलान तैयार किया गया है। राजधानी में जुटे राज्य भर के राजस्व कर्मी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर रखेंगे अपनी मांगे। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के बैनर तले राज्य भर के राजस्व कर्मी रविवार को रांची समाहरणालय परिसर में जमा हुए। संघ के अध्यक्ष अमर प्रसाद किशोर सिन्हा अध्यक्षता में हुई बैठक में संघ के पदाधिकारी ने सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौते को लागू करने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर 2019 को राजस्व उप निरीक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के साथ समझौता हुआ था। इसमें ग्रेड पे 2400 लागू करने के सहित अन्य मांगे थी, लेकिन अब तक मांगे पूरी नहीं हुई। यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही इस मांगों व अन्य समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री से मुलाकात किया जाएगा। बैठक में कहा गया कि हाल ही के दिनों में रांची, हजारीबाग, सरायकेला, खरसावां व धनबाद के राजस्व उप निरीक्षकों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। यही स्थिति रही तो संघ व प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति होगी। यह खबर है धनबाद से। शहर के नामचीन होटलों में छापा, खालसा समेत कई होटलों से नाबालिग बच्चों का किया गया रेस्क्यू। शहर के नामचीन होटलों में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के निर्देश पर छापेमारी शुरू की गई। सोमवार को एक दर्जन नाबालिग बच्चों को अलग अलग होटलों से रेस्क्यू किया गया। इनमें गोविंदपुर का बहुचर्चित खालसा होटल भी शामिल है। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चे 12 से 14 साल तक की उम्र के हैं। इन्हें फिलहाल मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। कोविड टेस्ट के बाद उन्हें चाइल्ड लाइन में रखा जाएगा।
खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का हुआ निधन, राहुल गांधी ने जताया दुख। एक बड़ी खबर इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा को लेकर आ रही है। दरअसल 93 साल की उम्र में वोरा का दिल्ली के 40 एक्सपर्ट हॉस्पिटल में निधन हो गया। बता दें कि उन्होंने कल ही अपना जन्मदिन मनाया था। वोरा के इस तरह दुनिया को अलविदा कर जाने से कांग्रेस पार्टी में शोक की लहर है। उन्होंने उनकी खराब हालत की वजह से कल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को दिया अल्टीमेटम, पीके ने भाजपा को लेकर की भविष्यवाणी। जानिए क्या है भविष्यवाणी। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। पार्टी अपने बागियों को नहीं रोक पा रही है। पार्टी के अंदर बगावत के सुर लगातार तेज हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके से काफी नाराज है। वहीं सोमवार को किशोर ने भविष्यवाणी करके कहा कि भाजपा राज्य में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे इस क्षेत्र को छोड़ देंगे। 1 जनवरी से बदल जाएंगे 10 नियम, देश के करोड़ों लोग पर पड़ेगा असर। जानिए क्या है नियम। 1 जनवरी 2021 से कई नियम बदल जाएंगे जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। चेक पेमेंट से लेकर फास्टैग, UPI पेमेंट सिस्टम और GST रिटर्न के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसलिए 1 तारीख से पहले आप इन सभी बदलावों के बारे में जान लें, इससे आपको नुकसान न उठाना पड़े। इस लिस्ट में 10 बदलाव शामिल है। पहला, चेक पेमेंट सिस्टम। दूसरा, कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन। तीसरा, महंगी हो जाएंगी कारें। चौथा, फास्टैग लगवाना होगा अनिवार्य। पांचवा, लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए लगाना होगा 0। छठा, म्यूचुअल फंड निवेश के लिए बदले नियम। सातवा, UPI पेमेंट में होगा बदलाव। आठवा, GST रिटर्न के लिए बदल जाएंगे। नौवा, सरल जीवन बीमा पॉलिसी होगी लॉन्च। दसवा, कुछ फोन में व्हाट्सएप काम करना बंद कर सकता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर को भारत से पैसा कमाने का मौका नहीं मिला तो अपना असली रंग दिखाया। पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर शोएब अख्तर ने मैदान के अंदर और बाहर विवाद और प्रसिद्धि दोनों ही बटोरी है। एक बार फिर वे अपने बयानों के कारण विवादों के घेरे में आए हैं। हाल ही में वायरल हुए उनके एक वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि गजवाए हिंद की बात हमारे पाक किताब कुरान में भी की गई है और इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम पहले कश्मीर पर कब्जा जमाएंगे और फिर हिंदुस्तान पर हर जगह से हमला करेंगे। इस प्रकार से हिंदुस्तान में कोई सरहद नहीं रह जाएगी और गजवाए हिंद हमारा होगा। किसान आंदोलन के नाम पर देश के प्रधानमंत्री का सरेआम अपमान। PM नरेंद्र मोदी की तस्वीर को जूतों से पीटते नजर आ रहे प्रदर्शनकारी, देखिए वीडियो में वायरल हुआ है। मुंह तो बचने चाहिए, जाओ जाओ जाओ, मारो मारो मारो, टका के इत्थे रख। एक सर्वे में देश के 73% से अधिक लोग मोदी सरकार के कृषि सुधार कानूनों के पक्ष में। विपक्षी दलों के बहकावे पर किसानों के कुछ संगठन मोदी सरकार के नए कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि देश के करोड़ों किसान ही नहीं बल्कि अधिकांश नागरिक भी सरकार के कृषि कानूनों के पक्ष में है। News18 नेटवर्क की तरफ से कराए गए देशव्यापी सर्वे में तथ्य सामने आया है कि देश के लोग आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में नहीं है बल्कि मोदी सरकार के कदमों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 को संबोधित करेंगे। इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम स्वावलंबी भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान है। कोरोना वैक्सीन हलाल है या हराम, मुस्लिम धर्मगुरुओं की
बीच छिड़ी बहस। कोरोना की वैक्सीन अभी आई भी नहीं है, लेकिन इसके हलाल और हराम होने पर बहस शुरू हो गई है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक अफवाह पूरी दुनिया में वायरल की है कि बनाने में सुअर के मांस का इस्तेमाल हुआ है। अब मुस्लिम समुदाय में वैक्सीन लेने को लेकर बहस शुरू हो गई है, लेकिन कुछ मुस्लिम सलाहकारों का कहना है कि कुरान में किसी इंसान की जान बचाने के लिए हराम की चीज़ों को इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। बंगाल में वोटर्स को धमकी, बीजेपी को दिया वोट तो बहेंगी खून की नदियां। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच खिसातानी जारी है। दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब वहां के वोटर्स को भी डराया धमकाया जा रहा है। दीवार पर बंगला भाषा में एक धमकी भरा संदेश लिखा गया है कि जिसके पीछे टीएमसी नेता मनोज सरकार का हाथ बताया जा रहा है। यह संदेश उस वक्त आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य का दौरा किया। नया कोरोना वायरस ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहा, 5 देशों में फैल चुका है, कई देशों में डर। नए कोरोना वायरस को लेकर ब्रिटेन में हाहाकार मचा हुआ है। भारत सहित करीब एक दर्जन देशों ने ब्रिटेन के साथ हवाई सेवाएं स्थगित कर दी है, लेकिन अब तक नया कोरोना वायरस कम से कम 5 देशों तक फैल चुका है। हालांकि कई देश ने आशंका जाहिर की है कि उनके यहाँ पहले से कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मौजूद हो सकता है। इस हफ्ते लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, पहले निपटा लें सभी जरूरी काम। इस हफ्ते में बैंक लगातार 3 दिन बंद रहेंगे, इसलिए अगर आपको कोई जरूरी काम है तो उसे गुरुवार तक ही निपटा लें। असल में बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इस बार 26 दिसंबर को महीने का चौथा शनिवार पड़ सकता है, इसके बाद रविवार को साप्ताहिक अवकाश है। 25 दिसंबर को यानी इस बार शुक्रवार को क्रिसमस का त्यौहार है, जिस दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है, तो इस तरह लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। किसानों ने मेरठ से गाजियाबाद तक हजारों ट्रैक्टरों पर सवार होकर कृषि बिल के समर्थन में निकाली रैली, देखिए वीडियो। SBI दे रहा है सस्ते घर और फ्लैट खरीदने का सुनहरा मौका, जाने कैसे खरीद सकते हैं आप। देश के सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ लोन ने चुकाने वाले लोगों को प्रॉपर्टी का नीलामी करने जा रहा है। अगर सस्ती कीमत में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक मौका है। प्रॉपर्टी नीलामी की जानकारी बैंक ने ट्वीट करके दी है, आप ट्वीट के माध्यम से जान सकते हैं। IRCTC ने दी यात्रियों को बड़ी सौगात, महामारी खत्म होने के बाद भी चलती रहेंगी ये ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के हित में एक बड़ा फैसला किया है। कोरोना काल में चलाई जा रही क्लोन ट्रेनों को आगे भी जारी रखा जाएगा। रेलवे ने कहा है कि इनको आम जनता से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन BK यादव के अनुसार क्लोन ट्रेन का प्रयोग अब तक सफल रहा है और इसके आधार पर यह तय किया गया है कि क्लोन ट्रेन कोविड के बाद के समय भी चलती रहेगी। भारतीय रेलवे ने कहा कि वर्तमान में क्लोन ट्रेन लगभग 72% से 80% तक भर जाती है। अब खबर खेल जगत से, रोहित ने रोमांटिक अंदाज में वाइफ रितिका को किया बर्थडे विश, लिखा लव यू डार्लिंग। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा ने रोमांटिक अंदाज में अपनी वाइफ रितिका सचदेव को बर्थडे विश किया है। रोहित शर्मा फिलहाल 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं। हिटमैन ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों अपना 14 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर रहे हैं। इसके साथ रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़ेंगे। वाइफ रितिका सचदेव के जन्मदिन पर रोहित ने इंस्टाग्राम पर लिखा, जन्मदिन मुबारक हो डार्लिंग, हमेशा आपको प्यार। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।